लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो लगा ही रहता है। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू यूमी वी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। सो आफ्टर 4 मंथ्स, पूरे 4 महीने बाद मेरा वर्क प्लेस फिर से ओपन हो चुका है और अभी मैं बैठी हुई हूँ और कुछ काम कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत मिस कर रही थी यार, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों के काम बंद हो गए थे, मेरा भी बंद हो गया था, लेकिन फाइनली अब ये रीओपन हो चुका है। तो एक अच्छी खबर तो ये है जो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दे दूँ, और ना एक और अपडेट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो वो मैं आपको घर चल के ही बताती हूँ। सो ये आप देख रहे हो, ये मैं ले आई हूँ आज। ये डॉक्टर का स्लिप है, डॉक्टर की, जो जिसमें डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स लिख के दी हैं, पूरी भरी हुई है। ये हैं एंटीबायोटिक्स, जिसमें से एक मैंने अभी खा ली है, बाकी 5 डेज का कोर्स बताया है। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन लगवा लो, एक सुबह एक रात, वो यहाँ पे जो वो ड्रिप लगा के लगाते हैं ना, कैनोला लगा के, तो वो बोला था। उसकी तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे अपने जॉब पे भी जाना है एंड घर का भी काम होता है, तो अगर वो मेरे यहाँ पर लग गया तो मैं वो सब काम कैसे करूँगी, नॉट पॉसिबल ना। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि कोई नहीं, आप मुझे मेडिसिन ही दे दो, थोड़े ज़्यादा दिन लग जाएंगे, क्या कर सकते हैं, ये लगवाना बड़ा मुश्किल काम है। सो ठीक है, खाते हैं दवाई, देखते हैं कितने दिन लगते हैं ठीक होने में, आपको अपडेट्स देती रहूँगी। और आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि फेस दिखाओ फेस दिखाओ, तो फिलहाल तो आप मेरा यही वाला फेस देख लो। 100K जल्दी से कंप्लीट करा दो, मेरा रियल फेस आपको दिख जाएगा। फिलहाल यार इसी से काम चला लो ना, और तबीयत ठीक नहीं है अभी। सो आज बस घर में ही हूँ, कहीं जाना नहीं है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है ना, टाइफाइड की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो कल लेके आई थी मैं डॉक्टर से दवाई, कुछ दिन तो घर की करी जैसे सब लोग करते हैं, तो घर की दवाइयाँ खा के नहीं ठीक हो रही थी, और ज़रूरी था डॉक्टर के पास जाना, तो कल टेस्ट हुआ, उसमें टाइफाइड निकला है। सो एंटीबायोटिक्स दे दी हैं डॉक्टर ने बहुत सारी। मशीन में कपड़े लगाए थे, सूख गए हैं, फिलहाल इनको तय करना है। अभी घर के बहुत सारे काम हैं और हिम्मत करनी है मुझे, काम तो करने ही है। वाओ, जो वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं उनमें से जो प्रेगनेंस आती है, कितनी अच्छी लगती है ना। चलो ठीक है, कपड़े वपड़े मैं अपने तय कर लेती हूँ, फिर बीच में यार मतलब रेस्ट कर करके ही मैं काम कर रही हूँ। तो आज तो मेरी छुट्टी है, मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, तो अच्छी बात है, एक दिन मुझे मिल गया है रेस्ट करने के लिए। कल का कल देखूँगी, तबीयत ठीक लगेगी तो जाऊँगी, अदरवाइज मैं लीव ले लूँगी, लेट्स सी क्या रहता है। और एक और अपडेट है आपके लिए, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो यार इस खुशी में ना, ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो इस पर आपके लिए आ रही है बुलबुल फ्रीडम सेल, 9th अगस्त से 15th अगस्त तक, जहां आपको मिलेगा अप टू 75% ऑफ ऑन अपेरल्स, फुटवेयर, गैजेट्स एंड होम एंड किचन, क्योंकि ये है आज़ादी का जश्न। साथ ही आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स और शानदार डिस्काउंट्स एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने पे। तो अगर आपने नहीं अभी तक चेक करा है मेरा लिंक, तो ज़रूर जाके चेक कर लेना, पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों को ही मैं आपको लिंक दे दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ना आप काफ़ी कुछ वहां से ले सकते हो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग। सो आज मेरा ऑफ था, मैंने पूरे दिन आराम करा है घर में ही, फीवर हुआ था मुझे, वही दवाई ववाई खाई मैंने, तो ठीक है थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं खाना ये सब, मुझे तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको बिल्कुल लाइट फूड खाना है, खिचड़ी दाल चावल इस टाइप की चीज़ें खानी है, बट हस्बैंड तो खाएंगे ना, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ भिंडी, और उधर साथ में मैंने अपने लिए राइस को भिगो के रख दिया है, क्योंकि अपने लिए तो मैं दाल चावल ही बनाऊँगी। तो भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ सोच रही थी कि एक बार शेयर कर लूँ, काफ़ी अच्छी बनती है ये वाली ना, इसमें मैं सौंफ डालती हूँ, कलौंजी डालती हूँ, प्याज मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ ऑयल में, और उसके बाद इसमें हाँ हरी मिर्च भी मैंने डाली थी, एंड देन फिर ये छोटी छोटी कट की हुई भिंडी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैं इसको ना ओपन में ही पकाती हूँ, उसके बाद मैं इसको कवर करके रखती हूँ। तो बस अभी मसाले डालने का टाइम आ चुका है, हल्दी लाल मिर्च ये मैंने डाल दी है, और बनने वाली है भिंडी, बस इसमें मैंने लास्ट में ये आमचूर डाल दिया है, एंड ये देखो बहुत जल्दी भिंडी बन जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज यही बना लेते हैं, इजी है, जल्दी रेडी हो जाती है। लास्ट में मैंने नमक और ये गरम मसाला भी डाल दिया है,
बस थोड़ी देर और 5 मिनट कुक करके मैंने इसे पकाया और ये देखो काफ़ी अच्छी बन गई है। रोटियां बाहर से मंगा लेंगे यार, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। चलो बस रात का डिनर विनर करेंगे और कुछ नहीं, दवाई खाऊंगी, रात को मैं सो जाऊंगी। और आज का ये छोटू सा व्लॉग है, आई होप कि मैं जल्दी से सही हो जाऊं और जल्दी से मार्केट वीडियोस लाऊं आपके लिए, क्योंकि मैंने पता है यही सोचा था कि अगस्त से ना मैं फिर से मार्केट वीडियोस स्टार्ट कर दूंगी, बट जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद जाएंगे करेंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरा लिंक चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि 9-15 अगस्त तक आ रही है इंडिपेंडेंस सेल। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आप वहाँ से ना काफ़ी कुछ ले सकते हो, सो चेकआउट कर लेना।